Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and staying safe. My name is Anchal and I am vlogging today. तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप एक हेयर केयर की वीडियो बनाओ, हेयर केयर रूटीन दिखाओ अपना. तो आज का जो व्लॉग कह लो या फिर वीडियो कह लो, होने वाली है हेयर केयर वीडियो. गाइस, ये वाला तेल लगाती हूँ मैं अपने सिर में. ये सरसों का तेल है और मैं बचपन से यही लगाती हूँ. यही मम्मी लगाएंगी मेरे सिर में तेल. चलो मम्मी लगाओ तेल. गुड. ये दोबारा लाना पड़ेगा. तो गाइज, अब मैं जा रही हूँ अपने हेयर वॉश करने. देखो तेल लग रहा है. सुबह मालिश करवा ली थी मैंने और ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए हैं. ऑलमोस्ट होने वाला है. तो अब मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने और फिर मैं नहाऊंगी. तो शैम्पू दिखाती हूँ, कंडीशनर दिखाती हूँ, कौन सा यूज़ करती हूँ मैं. देखो, दिस इज़ माई शैम्पू. ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ मैं, क्लिनिक प्लस का. ख़त्म हो गया, मैंने पानी भर रखा है थोड़ा सा, एक बार यूज़ हो जाएगा. और कंडीशनर आ गया भाई. उन्होंने ना गंद फैला रखी है. ये वाला कंडीशनर, डव इंटेंस रिपेयर कंडीशनर. इस बार तो मैंने ट्रेसेमे का मंगाया है. तो ये दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं, कंडीशनर और शैम्पू. शैम्पू करने के बाद अच्छे से वॉश करती हूँ, मतलब अच्छे से शैम्पू कर लेती हूँ. दो बारी में शैम्पू करती हूँ मैं, एक बारी तेल निकाल लेती हूँ अच्छे से, फिर एक बार और करती हूँ थोड़ा सा शैम्पू लेके. और चलो दिखाती हूँ कैसे शैम्पू करती हूँ आपको. देखो, मैंने इतना सा पानी लिया है, थोड़ा सा. मैं कभी शैम्पू डायरेक्टली यूज़ नहीं करती अपने बालों पे, और नहीं करना चाहिए, किसी को भी यूज़ नहीं करना चाहिए अपने बालों पे शैम्पू डायरेक्टली, क्योंकि वो हार्मफुल होता है. तो मैं पानी में डालती हूँ शैम्पू. अभी गिर जा, है ही नहीं. उसका ढक्कन खोल लेती हूँ मैं. देखो, इसके अंदर शैम्पू है. हम इंडियन लोग हैं, हम कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करते. तो मैंने इसमें पानी भर लिया जिससे कि सारा शैम्पू बाहर निकल आए. सारा ही लग जाएगा तो मेरे बालों में. फिर अच्छे से इसको मिक्स करो, ठीक है. और अब मैं इसको अप्लाई कर लूँगी अपने बालों पे. ये रहा मेरा कंडीशनर. तो हेयर वॉश कर लेती हूँ अब तो, सिर्फ और तो क्या ही करना है. तो अब मैं कर लेती हूँ जल्दी से हेयर वॉश, ठीक है, अच्छे से, और नहा के और फिर मिलती हूँ आपसे. गाइस, मैंने हेयर वॉश कर लिया, मैं नहा ली, और अब ना मैं अपने बालों को मैंने टॉल में लपेट लिया और अब मैं इनको ऐसे ही रखूँगी आधा घंटा कम से कम. टाइम दिखा देती हूँ आपको. और मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ, नहीं इस बार ही कर रही हूँ, हर बार ऐसे ही करती हूँ मैं. आधा पौना घंटा या फिर 20 मिनट तो छोड़ ही देती हूँ, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, मॉनसून सीज़न हो, कोई भी सीज़न हो. मेरा यही हेयर केयर रूटीन रहता है. ऑयलिंग करवाना मम्मी से, हेयर वॉश करना, कंडीशनिंग करना, दैट्स इट. उसके बाद ना मैं कोई ऑयल लगाती बालों में, थोड़ा बहुत भी नहीं लगाती, और ना ही कोई सीरम अप्लाई करती. मैं कुछ भी फिर अप्लाई नहीं करती, सिर्फ यही रखती हूँ. और 4 दिन में मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ, मतलब वीक में 2 बार ही हो जाता है. मंडे फ्राइडे ऐसे चलता रहता है, वेंसडे मंडे. तो मैं 2 बार ही हेयर वॉश करती हूँ वीक में. तो मेक श्योर कि आप एक तो अपने बालों का सफाई का ध्यान रखो, वॉश करते रहो टाइम टू टाइम, और कोई भी फालतू केमिकल यूज़ ना करो. अवॉइड करो केमिकल जितना अवॉइड कर सकते हो यूज़ करना, क्योंकि हार्मफुल ही होते हैं बालों के लिए. और मैं मंथ में, मतलब 2-3 मंथ में एक बार मेहंदी भी लगवाती हूँ मम्मी से, नेचुरल जो आती है हिना मेहंदी, वो वाली मेहंदी भी लगवाती हूँ मम्मी से, दैट्स इट. इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती, ना हेयर स्पा लिया कभी आज तक, ना कलर कराया बालों को, क्योंकि सबसे कबाड़ वही है आपके बालों के लिए. अगर आप हेयर कलर करा लोगे ना अपने बालों को, तो फिर आप. तो गाइस देखो, अगर आपको अपने बाल हेल्दी रखने हैं ना, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. एक तो
ऑयलिंग जरूर करवाओ अपने बालों में, मम्मी से करवाओ या खुद करो अगर आप बाहर रहते हो बीच वगैरह में, तो या तो खुद करो या फिर मम्मी से करवाओ, किसी से भी करवाओ लेकिन करवाओ जरूर। दो बार नहीं करवा सकते तो वीक में एक बार तो जरूर करवाओ। और अपने बालों को अवॉइड करो कि कलर ना ही कराओ तो ही बेटर है, क्योंकि जो चीज़ नेचुरल है उसको ऐसे ही रखो, आप उसको कलर करा रहे हो, रिबोनिंग करा रहे हो। मुझे बहुत लोग बोलते कि आप यूट्यूबर हो, व्लॉगर हो, रील्स बनाते हो तो आप रिबोनिंग करा लो, आपके बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके बाल लेंथ बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपसे नहीं, मुझे मतलब 4-5 साल से बोलते जब मैं दिल्ली रहती थी तब से, लेकिन मैंने आज तक कुछ नहीं कराया। हाँ, अगर आपको कुछ चेंज चाहिए लाइक कोई फंक्शन है, बहुत अच्छा ओकेजन है, तब आप करवा लो, वो इतना आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा। मैंने भी करवाया, भाई की शादी में करवाया, एक ही बार करवाया पूरी ज़िंदगी में पार्लर में मैंने स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग, वो भी एक हफ्ते के लिए ही थी, ज़्यादा नहीं, और उससे इतना हार्म नहीं पड़ा। मैंने रिकवर कर लिया, ऑयलिंग करी उसके बाद प्रॉपर, मेहंदी लगवाई 2 बारी, तो मेरे बालों को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो आप परमानेंट स्मूथनिंग वगैरह ये सब अवॉइड करो, जैसे भगवान ने जैसे नेचुरल बाल दिए हैं वही अच्छे होते हैं, किसी के बाल ख़राब नहीं होते। बस हाँ, दूसरों को देख के लगता है कि हमारे भी होने चाहिए, हमारे भी होने चाहिए। मैं तो अपने बालों से बहुत खुश हूँ, जैसे भी हैं अच्छे हैं। हाँ, थोड़ी कटिंग वटिंग करवा लो चेंज के लिए, बाकी कलर मत करवाओ कभी भी। अब हाँ, 2 रुपए बचे रहे थे जेब में, वे गिर गए थे ऊपर रखे। गाइज, हमारे पापा जी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। पापा जी, आज आप इंग्लिश में बात करके दिखा दो। मॉर्निंग बिकम टाइट, मैंने भी देखा है। दही बोल गया, आज हम दोनों इंग्लिश में बात करेंगे। वो कहे दही लाई, का लाई, व्हाट इज दिस, कैसे बनती है? मिल्क स्लीप नाइट, मॉर्निंग बिकम टाइट। मम्मी बहुत चलाती है दूध को रात को, मॉर्निंग बिकम टाइट, फिर मम्मी बीटिंग मिल्क। मम्मी चलो, मम्मी लेट्स गो, लेट्स हैव डिनर विद टोडी, देन स्लीपिंग मॉर्निंग पोचा झाड़ू। मैंने आपको अपना पूरा हेयर केयर दिखा दिया, मैं जो जो चीज़ भी यूज़ करती हूँ इससे अलग मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। एंड ये देखो, मेरे बाल धोने के बाद ऐसे हो जाते हैं, एंड काफ़ी मैनेजेबल रहते हैं, अच्छे लगते हैं। भाई जैसे नेचुरल बाल होते हैं ना वैसे रखो, कुछ भी फालतू टेंटरम मत करो अपने बालों के साथ कि बाल ही नहीं बचेंगे तो फिर क्या ही कर लोगे। तो जैसे भगवान ने दिए वैसे रखो नेचुरली। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा हेयर केयर रूटीन, एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना, और वीडियो को पता नहीं क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कैसी वीडियोस आपको देखनी आप मेरे को सजेशंस देते रहा करो। ये बहुत ज़्यादा डिमांड में थी वीडियो कि आप अपनी हेयर केयर रूटीन दिखाओ, हेयर केयर रूटीन दिखाओ। और जो मैं अपने उस पे बालों पे मास्क अप्लाई करती हूँ ना मेहंदी वाला, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी कभी जब भी लगाऊंगी। सो बाय बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, बी सेफ, बी हैप्पी, लव यू ऑल।